फैक्ट्स जो हम लोग इग्नोर करते हैं। नंबर वन, जो बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज अपने छोटे से छोटे इलाज के लिए लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जाते थे, आजकल वो इंडिया में है और कह रहे हैं हमें अपने डॉक्टर्स पे पूरा भरोसा है। नंबर टू, इंडिया ने लोगों की जान बचाने के लिए इकोनॉमी खतरे में डाल दी, वहीं अमेरिका ने इकोनॉमी बचाने के लिए लोगों की जान खतरे में डाल दी। लेकिन हमें तो हमेशा से यही बताया गया कि इंडिया में रहने वालों की जान की कीमत बहुत सस्ती है। नंबर थ्री, इस लॉकडाउन में भी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, बस रोज सही टाइम पे अपना अलार्म बंद कर दीजिएगा। दर्शन ज्यादा सुलभ हो जाए तो लोग शौचालय समझ लेते हैं, इसलिए अपना कीमती वक्त बहुत ही सोच समझ के खर्च करें। नंबर टू, लोगों को अपनी कास्ट की याद सिर्फ इलेक्शन और शादी के टाइम पे आती है। नंबर थ्री, दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट पाकिस्तान का है, जिसे देखते ही इमिग्रेशन वाले कहते हैं, सर लाइन में क्यों खड़े हैं, जरा साइड में आइए। आपने कितना ही अच्छा क्यों ना बोला हो किसी के बारे में, लेकिन आपकी एक गलत बात लोगों को ताउम्र याद रहती है। नंबर टू, गोल्ड का रेट बढ़ने से सबसे ज्यादा हल्ला वही मचाता है जिसको गोल्ड कभी खरीदना ही नहीं होता है। नंबर थ्री, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा पैरामीटर है जिससे सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि आप अमीर हैं या गरीब, आपका स्कूल अच्छा था या बेकार, आप स्मार्ट हैं या बेवकूफ। लास्ट में बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इंग्लिश वर्ल्ड में थर्ड नंबर की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब आपको कोई और लैंग्वेज आती है। इस चीज के लिए आपको लाइफ में कभी भी किसी से नीचा फील होने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाके हिंदी में भाषण देते हैं और उसके लिए कभी भी कोई भी नीचा फील नहीं करता है।